नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो वन प्लस सिक्स के अंदर में एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि अगर आपके फोन में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जो कि मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स आपके मैसेज बॉक्स का, कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आपका मैसेज बॉक्स है जो कि आपको ढंग से खुलता नहीं है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि अगर आपको मैसेज बॉक्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप किसको किस तरह सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मेरे मैसेज बॉक्स में ऑलरेडी ऐसा फोन प्रॉब्लम हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको मैसेज बॉक्स को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, इस तरह नेक्स्ट और इजेक्ट लिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए बार बार ऐसा ही लिख रहा है फ्रेंड्स, जब भी मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट और इजेक्ट लिख रहा है। तो इस सेटिंग को आपको किस तरह इनेबल करना है फ्रेंड्स, जो कि आपको मैसेज बॉक्स का अगर वर्क नहीं अच्छा से करा तो किस तरह आप इनेबल करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक ध्यान से देखें फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बिल्कुल ही छोटा होने वाला है। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक देखें, अगर आपके मैसेज बॉक्स में ऐसा प्रॉब्लम है या कभी हो जाए तो इसको किस तरह आप समस्या को सोल्व कर सकते हैं, इसमें मैं पूरी की पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा फ्रेंड्स। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, मैं यहाँ पे अपने बैक चलाता हूँ, यहाँ पे फोन के सेटिंग में आपको आना होगा। तो देखिए मैं अपने फोन के सेटिंग में रहता हूँ, फोन के सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको आना होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको आना होगा ऐप एंड नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे ऐप एंड नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आ जाए, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सी ऑल ऐप है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना मैसेज बॉक्स को यहाँ पे खोल ले फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मैसेज बॉक्स को यहाँ पे एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मेरा है कहाँ, जो देखिए फिर यहाँ पे मैसेज का मैं एप्लीकेशन है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए परमिशन वाले ऑप्शन पे आपको आना होगा। तो यहाँ पे मैं परमिशन वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टोरेज है, स्टोरेज वाले इसको पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे इसको अलाउ कर दें। जैसे ही आप अलाउ करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे सीधा बैक जाएं, देखिए मैं यहाँ पे पूरा का बैक चल जाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ मेरा मैसेज बॉक्स यहाँ पे ओपन होता है या नहीं। यहाँ पे जैसे मैं इसको क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैसेज बॉक्स मेरा है जो कि यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो इस तरह अगर आपके फोन में इस तरह का प्रॉब्लम, आपका मैसेज बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है, बार बार आपको उसका मैसेज बॉक्स प्रॉब्लम हो रहा है, वो ओपन नहीं हो रहा है, तो इस जरिए आप फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से आप अपने मैसेज बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। अपने मैसेज बॉक्स में एक्चुअली में होता है क्या कि आप परमिशन गलती से इसको बंद कर देते हैं, इस वजह से आपका जो मैसेज बॉक्स यहाँ पे ओपन नहीं होता है। तो यही एक कारण फ्रेंड्स कि आप परमिशन आप अगर उसको दे देते हैं तो आपका मैसेज बॉक्स भी यहाँ पे ओपन होगा, जैसे कि मेरा अब हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मैसेज बॉक्स यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये वन प्लस सिक्स के अंदर में ऐसा प्रॉब्लम आपको था या नहीं, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड्स इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन घंटी को दबा दे दोस्तों। दोस्तों आप जब बेल आइकन घंटी को दबाएंगे तो उसमें एक कॉल का ऑप्शन आएगा, आप उसको पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब इस तरह का कोई भी वीडियो लाऊंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।